डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके सीबीएसई के पेपर में 3 नंबर में आता है, आ सकता है। ये टिपिकल सीबीएसई टाइप जो है टॉपिक है, इसका कंपटीशन से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं आता कंपटीशन इसमें से, मेरे को तो है नहीं इस पे, क्योंकि तो पेपर में आता है सीबीएसई के कि एक्सपेरिमेंट के को डिमॉन्स्ट्रेट करो और एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखो। क्या एक्सपेरिमेंट? जो रेडिएशंस की ड्यूअल नेचर प्रूव करता हो। तो मैं बता देता हूँ इसकी हिस्ट्री। एक्चुअल में आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को प्रूव किया कि फोटोन की ड्यूअल नेचर है, जो रेडिएशन की ड्यूअल नेचर है, बात खत्म हो गई। डी ब्रॉगली ने क्या किया? डी ब्रॉगली ने भी हाइपोथेसिस दिया, उसको लगता था, हाइपोथेसिस देना था, उसकी थ्योरी थी, उसका मानना था कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी तक डी ब्रॉगली ने प्रैक्टिकली इस बात को प्रूव नहीं किया था, उसको सिर्फ लगता था कि भाई ऐसा हो सकता है। तो दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डेविसन एंड जर्मर। इन दोनों ने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया, क्या वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है, डी ब्रॉगली को लगता था कि मेरी थ्योरी सही है, इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि डी ब्रॉगली की थ्योरी एब्सोल्युटली सही है। और मूविंग इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर तो है ही है, इसकी वेव नेचर भी है। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम ली, मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम का लैम्डा निकाला। एक बार मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम का लैम्डा निकाला ये मानते हुए कि उसकी नेचर वेव नेचर है, तो वेव ऑप्टिक्स का फिनोमेना लगाया और लैम्डा निकाल दिया वेव मानते हुए। और एक बार डी ब्रॉगली का रिजल्ट लगाया, डी ब्रॉगली ने आइंस्टाइन को कॉपी किया तो ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं पार्टिकल नेचर है, उसी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का उन्होंने लैम्डा पार्टिकल नेचर से भी निकाल दिया, वेव से भी निकाल दिया, पार्टिकल मान के निकाल दिया, दोनों का लैम्डा सेम आ गया। तो प्रूव हो गया कि मूविंग जो पार्टिकल्स है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी दोनों नेचर एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये इनका काम था। तो पेपर में आता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट लिखो जो कि ये बताता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, वो नहीं लिखेगा डेविसन जर्मर, तो डेविसन जर्मर ही आंसर है, सीधा लिख देगा तो भी ठीक है, ज़्यादातर ऊपर वाला लिखता है वो, तो इनडायरेक्ट पूछता है तो ये लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या काम हो रहा है, एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके लिए ना सबसे पहले आपने ये लिखना है कि डेविसन जर्मर ने किया क्या। एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया टू स्टडी द वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेपर में डायग्राम ये नहीं ड्रॉ करना, नहीं ड्रॉ करना, पेपर में डायग्राम ये ड्रॉ करना है, ये वाला ड्रॉ, इसको टिक मार्क कर लो, इसको क्रॉस कर दो। डायग्राम एक ही है, ये थोड़ा ईजी है बनाना। तो इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन की गन लेनी है, जो इलेक्ट्रॉन आप पीछे से वी पोटेंशियल बढ़ाते रहो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती रहेगी ई इन टू वी, और वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा विद हाई काइनेटिक एनर्जी। पीछे से वी मूव बढ़ता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। नीचे एक निकल का क्रिस्टल ले लो, निकल के क्रिस्टल पे जाके हिट करेगी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्कैटर हो जाएगी, यहाँ से कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग हो जाएगी, हर तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। डिटेक्टर लगाओ, डिटेक्टर हर जगह लगाओ, डिटेक्टर ये मेजर करेगा कि किस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमें पर सेकेंड, जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन कैच करेगा ये आपको बता देगा किसी भी पॉइंट पे, डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल, जैसे फाइ इज इक्वल टू 30 डिग्री पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी इंटेंसिटी है, फाइ 60 डिग्री पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 45 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको डिटेक्टर बताएगा। तो उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, ये फाइ, ये थीटा और थीटा बनाना है। ये क्या थीटा थीटा बताता हूँ अभी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसने कहा हेयर दी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय हॉट फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन आर एक्सलरेटेड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ वी। तो वी पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करके नीचे हिट करता है। नीचे क्या रखा है, एक निकल का क्रिस्टल रखा, निकल के क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन ने हिट किया और स्कैटर हो गए इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम निकल, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को मेजर किया गया डिटेक्टर से एज अ फंक्शन ऑफ फाई। फाई स्कैटरिंग एंगल कैसे, अगर फाई 30 डिग्री है तो क्या इंटेंसिटी है, 60 डिग्री पे डिटेक्टर ने क्या इंटेंसिटी मेजर की, 45 पे क्या मेजर की। तो ये मेजर कर लिया गया फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी, क्योंकि वी चेंज करोगे तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस प्लॉट की गई, तो ये सारा लिख रहे हैं आपने, ऑब्जर्वेशन 4 ग्राफ बनाने हैं, वैसे तो 100 ग्राफ बने होंगे पर आपने 4 बनाने हैं। तो एक्सपेरिमेंट 44 वोल्ट पे किया, 48 पे किया, 54, 64 और 68 पे किया। तो ये इंटेंसिटी, ये फाई की वैल्यू मेजर की, तो इंटेंसिटी की वैल्यू ऐसी आई, ये इंसिडेंट की इंटेंसिटी है,
48 वोल्ट पे इंटेंसिटी ऐसी आई, 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ज़्यादा आई, और उसके बाद 64 पे थोड़ी कम आ गई और 68 पे और कम आ गई। तो ये ऑब्जर्वेशन आई। अगर मैं सभी ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करूँ, जैसे इसको अलग से बनाऊँ, ये बन गया, इसको इसके साथ जोड़ूँ अगले पॉइंट पे, क्योंकि डिटेक्टर घूम रहा है पूरी वायर पे, पूरे इसमें घूम रहा है, तो अगला ग्राफ यहीं बना देता हूँ, अगला ग्राफ भी यहीं बना देता हूँ, ये वाला ग्राफ भी इसके पहले बना देता हूँ, ये वाला ग्राफ भी इसे पहले बना देता हूँ। तो ये ग्राफ देखा हुआ है, याद है, डिफ्रैक्शन, इंटेंसिटी मैक्स, फिर इंटेंसिटी मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, ये सेम है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। तो अगर आप इन सभी ग्राफ की पीक्स को जोड़ेंगे तो ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। तो यानी कि उनको आइडिया हो गया, कहीं तो कुछ डिफ्रैक्शन का इफेक्ट लग रहा है, कहीं तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में ऐसा ग्राफ तभी बनता था जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का पॉइंट होता था। देखो क्या था। तो अब इस केस में ये ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया इन्होंने कि अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 44 से लेकर 68 तक इंक्रीज करें तो स्ट्रॉन्ग पीक आ जाती है कॉरस्पॉन्डिंग टू शार्प डिफ्रैक्शन मैक्सिमम, और ये पीक जो है, ये वोल्टेज 644 से 68 वोल्ट तक आती है, और एंगल भी ये बढ़ता जाता है, तो ये एंगल जो है मैक्सिमम पीक कब आती है, जब वोल्टेज कितनी है 54 वोल्ट है और फाई कितना है 50 डिग्री, तो ये मैक्सिमम पीक आती है। तो ऑब्जर्वेशन को लिख दिया, जो ग्राफ में ऑब्जर्व किया वो लिख दिया चार लाइन में। फिर ये लिखा मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा ये पीक क्यों आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, स्कैटर्ड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड एटम ऑफ क्रिस्टल। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, ये बनाना नहीं है, मैंने नेट से लिया है, ये निकल का क्रिस्टल है अंदर से, ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है इनकी, तो इलेक्ट्रॉन की बीम आती है जैसे वेव की तरह शो किया इसने, इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से यहाँ चली गई और कुछ अंदर एंटर करती हुई अगली लेयर से हिट करके जाती है, ये ज़्यादा रास्ता कवर करती है, ये कम करती है, तो देयर इज अ पाथ डिफरेंस, वो पाथ डिफरेंस के चक्कर में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, और ऐसा तभी लग सकता है जब इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या मानी जा रही है, वेव नेचर है। तो यही लिख रहे हैं, आपने लिखना है, डायग्राम नहीं बनाना, कि कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है डिफरेंट लेयर्स ऑफ निकल क्रिस्टल से, ऐसा तभी हो रहा है। फिर आपने मैथमेटिकल लिखना है, ये दोनों एंगल थीटा थीटा सेम है और ये स्कैटरिंग एंगल फाई है, इनका सम 180 है, 2θ + φ 180 है, थीटा की वैल्यू आ गई। आपने कोई भी एक ग्राफ पकड़ लेना है, जैसे इन्होंने एक ग्राफ पकड़ लिया ये वाला, जब वी की वैल्यू कितनी है 54 है और फाई कितना है 50 है, तो कोई भी एक ग्राफ पकड़ लो, जब फाई की वैल्यू 50 है तो थीटा कितना आएगा 65। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फाई तो ठीक था, थीटा क्यों निकाला? थीटा इसलिए निकाला क्योंकि इसमें डिफ्रैक्शन का अफेक्ट शो करना है। इंटर अटोमिक स्पेसिंग निकल क्रिस्टल में डी की वैल्यू हमें याद करनी है 0.914 एंगस्ट्रॉम होती है, और वो कहते हैं कि ये जो ग्राफ बना उसमें पीक मैक्सिमम आया, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन बना होगा। तो एक साइंटिस्ट था ब्रैग, जैसे हमने डिफ्रैक्शन की ना फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन YDSC ब्रैग एक्सपेरिमेंट है, जो निकल क्रिस्टल पे डिफ्रैक्शन की कंडीशन बताता है कब मैक्सिमा कब मिनिमा होगी, हमने नहीं करनी, हमने सीधा याद कर ली फ्रॉम ब्रैग्स लॉ, फर्स्ट मैक्सिमा कब आता है 2d sin θ जब 1λ होता है। ब्रैग्स लॉ में फाई नहीं चाहिए होता, ब्रैग लॉ में थीटा चाहिए होता है, इसलिए फाई से क्या निकाला गया, थीटा। तो जब 54 वोल्ट था, फाई 50 डिग्री था, थीटा 65 था, सॉल्व करके आपने लैम्डा निकाल लिया। ये पूरा कॉन्सेप्ट वेव का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन वेव का फिनोमेना है, ये लैम्डा निकाल लिया, निकाल के रख लिया। अब वो कहते हैं डी ब्रोगली ने कहा था इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर है और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ऐसे निकाली जा सकती है, वी को सीधा 54 पुट किया, लैम्डा निकाला पार्टिकल नेचर ज्यूम करते हुए, वेव नेचर से लैम्डा आया 1.65, पार्टिकल से भी अप्रॉक्सीमेटली सेम आ गया, तो ये प्रूव हो गया कि दोनों की सेम नेचर है, तो मतलब दो नेचर हो सकती हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। जब ये पेपर में आएगा तो आपने ऐसे लिखना है, सबसे पहले आपने ये लिखना है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट करता क्या है, फिर आपने वो डायग्राम बनाना है कंस्ट्रक्शन में, फिर आपने इसमें ये थ्योरी लिखनी है कि मैंने वी वोल्ट अप्लाई किया जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव किया, निकल क्रिस्टल लिया और डिफरेंट इंटेंसिटीज को मेजर किया गया विद फाई। फिर ऑब्जर्वेशन में चार ग्राफ बनाने हैं, इन चार ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना अपने वर्ड्स में कि जब मैं वी को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर पीक आती है एट स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री, इंपॉर्टेंस बता देनी है इस ग्राफ की, फिर रीज़न देना है ये ग्राफ इसलिए ऐसा पीक शो कर रहा है, कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, फिर लिखना है ये थ्योरी से कोई भी ग्राफ पकड़ लेना है, जब फाई 50 है तो थीटा निकाल लेना है,
फिर निकल क्रिस्टल में ब्रैग्स लॉ की कंडीशन लिखनी है और लैम्डा निकाल देना है, फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ से लैम्डा निकाल देना है, दोनों सेम आएंगे, बात खत्म, तो दोनों नेचर है, यहाँ से प्रूव करना है, टिपिकल सीबीएसई टाइप क्वेश्चन है।